कल परिवादी पुरुषोत्तम सोनी नवरतन सोनी ने हमें सुबह एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 और 30 की रात को उनकी जो दुकानें हैं, ज्वेलर्स शोरूम है, सीता सदन मार्केट, घोड़ों का चौक, थाना सदर बाजार में, वहां से उनके शटर तोड़कर और उनके जो जेवरात है 1 किलो से भी ऊपर के जेवरात, कटिंग, सोना, वो चुरा कर कोई ले गया है। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई की जोधपुर ईस्ट पुलिस ने। लगभग हमने 10 टीम बनाई, जिसमें सीसीटीवी कैमरेज को का अवलोकन करने के लिए, फिर एक टीम तुरंत रेलवे स्टेशन और एक टीम बस स्टैंड भेजी गई। सीसीटीवी के अवलोकन से हमें पता लगा कि 29-30 की रात को सुबह लगभग 3 साढ़े 3 बजे एक व्यक्ति ने शटर तोड़कर और वो चोरी करके लेकर गया है। उसको ट्रेस करते हुए हमने उसको पता लगाया कि वो वहीं पर भितरी शहर में एक होटल में रुका था और उसका एक साथी भी वहां पर था, और वो सुबह वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उनको हमने जैसे ट्रेस किया तो बस स्टैंड तक हमें पता लगा, रायकाबाग तक हो गए। हमने तुरंत ये सूचना, उनके फुटेज, उनकी डिटेल्स वो तुरंत सभी जगह साझा की, बस स्टैंड पर, यहाँ पर, और यूं लगा जब पता लगा कि वो वेस्ट बंगाल के हैं तो कि ट्रेन से भी वो जा सकते हैं, तो जीआरपी, आरपीएफ, अजमेर पुलिस, जयपुर पुलिस, सभी से हमने ये सूचना साझा की। और ये हमारा सबसे जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो था कि ये बाहर नहीं जाने चाहिए और पूरे माल के साथ इनकी गिरफ्तारी और बरामदगी पूरे माल की होनी चाहिए। इसी मेन आशय के साथ और इसी ध्येय के साथ हम सब पूरी टीम ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। फिर हमें जैसे जो हम काम कर रहे थे कुछ तकनीकी मदद से, हमें पता लगा कि ये अजमेर में हो सकते हैं और वहां से फिर ये आगे निकलेंगे। तो त्वरित तुरंत एक टीम हमने अजमेर रवाना की, वहां के सभी होटल ढाबे चेक किए, वहां के भी स्टाफ से हमने मदद ली। अजमेर टीम की जो गंज थाने की टीम है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनके साथ मिलकर हमने सभी होटल ढाबे चेक किए, रेलवे स्टेशन पर हमने टीम भेजी। और फिर हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि वो हो सकता है कि बस से भी निकल रहे हों। तुरंत हमने बस स्टैंड पर जाके सभी जगह पर हमने दबिश दी और सब जगह हमने सर्च किया, तो एक बस में, जो दिल्ली जाने वाली बस थी, जो बस निकल ही रही थी बस स्टेशन से, बस स्टैंड से, उसमें हमने उनको दबिश देकर उनको पकड़ा। उनके उनके पोजेशन से हमें 2 बैग मिले और थाने की टीम है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनके साथ मिलकर हमने सभी होटल ढाबे चेक किए, रेलवे स्टेशन पर हमने टीम भेजी। और फिर हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि वो हो सकता है कि बस से भी निकल रहे हों। तुरंत हमने बस स्टैंड पर जाके सभी जगह पर हमने दबिश दी और सब जगह हमने सर्च किया, तो एक बस में, जो दिल्ली जाने वाली बस थी, जो बस निकल ही रही थी बस स्टेशन से, बस स्टैंड से, उसमें हमने उनको दबिश देकर उनको पकड़ा। उनके उनके पोजेशन से हमें 2 बैग मिले और उन बैग में इन्होंने, दोनों के पास एक एक बैग था, शोल्डर बैग, और उन बैग में हमें जो जामा तलाशी में इनके द्वारा जो भी सारा चोरी किया गया था यहाँ का माल, वो 1 किलो से ऊपर, 1 किलो 91 ग्राम, 31 मिलीग्राम सोना हमने उनसे बरामद किया और उनको गिरफ्तार किया। वारदात में ये अकेले था, वारदात उसी अभी वारदात में। प्रथम दृष्टया जो अभी प्राथमिक अनुसंधान में इन दोनों का, जो दोनों आरोपी हैं, वो हैं शेख फरहाद अली, मुख्य जो आरोपी है, जिसमें कि इन्होंने जिसने की रेकी कर, ये 25 तारीख को आए थे जोधपुर में और इन्होंने 25 तारीख से रेकी की, और फिर उसके बाद जो घटना को अंजाम इन्होंने 29 और 30 की जो मध्य रात्रि है उसको उसने अंजाम दिया। ये आरोपी हैं शेख फरहाद अली, उम्र 31 साल, और दूसरे हैं इस्माइल मोंडल। ये दोनों जिला हुगली, पश्चिम बंगाल के हैं, और अभी प्राथमिक अनुसंधान में हमें पता लगा है कि जो शेख फरहाद अली है, उसने अभी जनवरी में ही कानपुर में भी एक बहुत बड़ी नकबजनी की थी, जिसमें उसको जेल हुई थी। पिछले माह में ही 29/4 को ये जेल से बरी हुआ था, और इसने अपने साढ़ू इस्माइल मोंडल, ये दोनों आपस में साढ़ू हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर फिर वापस कोई बड़ी नकबजनी देने करने का प्लान बनाया। उसमें पहले इन्होंने शहर कुछ करे चिन्हित किए, फिर
फिर इन्होंने लास्ट में जोधपुर में आकर 25 तारीख को और इस बड़ी नकबजनी को इन्होंने पूरा अंजाम दिया। लेकिन जोधपुर पुलिस जो है उसने बहुत इसमें त्वरित कार्रवाई की और पूरी टीम ने मिलकर, जिसमें मैं कहूँगी एसीपी साहब, एसएचओ और सभी, और एक तकनीकी सहायता में एएसआई अपने राकेश जी जो साइबर सेल के हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इनकी वजह से लगभग 20 घंटे में ही हमने दोनों आरोपियों को, मुख्य आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और सारा जो सोना है वो रिकवर किया है, 100% रिकवरी है। मैडम ये कब और 20 घंटे का बताएं? ये जो घटना है ये सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई, 3:30-4 बजे के लगभग ये घटना हुई। इसमें जो उसने जो मेन शटर है और उसके भीतर 8-10 दुकानें हैं, तो मेन शटर का इसने ताला खोला था और फिर उस शटर को डाउन कर लिया था ताकि वहां से कोई क्रॉस करे तो उसे पता भी नहीं चले कि अंदर वो चोरी कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत शातिर तरीके से सोच समझ के इस नकबजनी को अंजाम दिया था। जैसे हमें इसकी सूचना लगभग 8 बजे मिली थी सुबह, कल सुबह 8 बजे मिली थी, और मैं कहूँ तो जब घटना हमारे को मालूम होने के हमने 14 से 15 घंटे के भीतर ही इन सब दोनों को गिरफ्तार करके पूरी माल की बरामदगी की है। बहुत बड़ा केस था और जिस हिसाब से बिल्कुल बीचों बीच हुआ था, उतनी गंभीरता देखते हुए हमारी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है सर। देखिए बिल्कुल हम चाहते हैं कि सभी जो अच्छा काम करें उनकी हौसला अफजाई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो पूरा उच्च अधिकारी हो, तो हम हमेशा यही चाहते हैं और ये पूरा एक टीम के हिसाब से ही पूरा काम होता है, तो इनको अप्रिशिएट किया जाता है। एसीपी साहब आपको अप्रिशिएट किया जाता है टाइम टाइम पर बिल्कुल हर किसी की हमें भूमिका, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं पूरी टीम की।